हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुथूट माइक्रोफिन की। दोस्तों, यहां पे बहुत लंबे समय से इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव खबर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यहां पे अब शेयर होल्डर के लिए पॉजिटिव खबर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दिया जाएगा मुथूट माइक्रोफिन के अबाउट। तो दोस्तों, यहाँ पे मुथूट माइक्रोफिन की यहाँ पे बड़ी अपडेट अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। खास करके अगर हम बात करें, जो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं बेसिकली आज के डेट में है, और यहाँ पे बेसिकली जो अपडेट है क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी 75 मिलियन USD यहाँ पे रेज्ड करती हुई नजर आई है। ये चीज़ का आप ध्यान रखें, जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग की है कंपनी यहाँ पे ये चीज़ जो BSE में फाइलिंग होती है उसमें यहाँ पे कंपनी ने बताया है। यहाँ पे आज की डेट में ये अपडेट आया है दोस्तों, और जैसे ही अपडेट आया मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 28 मार्च 2024 का यहाँ पे देख सकते हैं, जो मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड यहाँ पे रेजेज USD 75 मिलियन वाया था ECB, जो यहाँ पे ECB देखने को मिल रहा है। जो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सटर्नली यहाँ पे लोन है जो रेज करती हुई नजर आई है। तो दोस्तों, ECB बेसिकली एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होता है, ECB इसका फुल फॉर्म। और ये बेसिकली इसके अंदर जो पार्टिसिपेट किए थे कौन कौन किए थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, दोहा बैंक है, रैक बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ जो रास AI आपको देखने को मिल रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, और जो UK के अंदर है उसके कैनरा बैंक की बात कर लें, गिफ्ट सिटी की बात कर लें, ये सब सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली 75 मिलियन USD काफ़ी अमाउंट होता है, और ये अमाउंट रेज करती हुई कंपनी यहाँ पे नज़र आई है। तो इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस बना के चल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बड़ी अपडेट, अदर अपडेट भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि यहाँ पे मैं बहुत मेहनत करके यहाँ पे आपके लिए न्यूज़ लाता हूँ और यहाँ पे ढूंढते रहता हूँ हमेशा कि क्या अपडेट है कंपनी के अबाउट, यहाँ पे क्या अपडेट हो रहा है, कंपनी के शेयर में गिर रहा है, तो क्या सारी चीज़ें मैं डिटेल्स निकालते रहता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे एक लाइक, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा दोस्तों। साथ में अपने दोस्तों का साथ भी शेयर करेंगे, जिससे कि उनको भी ये चीज़ें जानकारी प्राप्त हो पाए। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप अभी के टाइम पे देखोगे तो इस कंपनी के 1424 ब्रांचेज हैं अक्रॉस इंडिया, 18 स्टेट्स के अंदर, 346 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेसिकली इनका प्रेजेंस है। दोस्तों, अगर हम बात करें अभी के टाइम पे तो इस कंपनी का ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 11,458 करोड़ का देखने को मिलता है। और इस कंपनी की जो न्यूज़ है, अदर न्यूज़, जो क्रिसिल की रेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे एक तरह से प्रोविजनल रेटिंग है जो क्रिसिल AA दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली जो प्रोविजनल क्रिसिल AA रेटिंग रेट करते हुए नज़र आया है। और इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे अदर पॉइंट्स पे, अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले जो ओरिजिनेटर हैं, जिसमें क्रिसिल A1+ रेटिंग ऑलरेडी कर रखी है, सर्विस के में भी क्रिसिल A1+ रेटिंग कर रखा है, यहाँ पे कलेक्शन एंड पे आउट अकाउंट बैंक से रिलेटेड यहाँ पे स्टेबल AA+ स्टेबल है। अगर हम बात करें इसके अंदर तो मतलब कि एक तरह से रेटिंग है जो कंपनी यहाँ पे अच्छा एक तरह से देती हुई नज़र आती है यहाँ पे टाइम टू टाइम, और यहाँ पे रेटिंग दे रही है। तो यहाँ पे एक तरह से अगर हम देखें तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव खबर ही है, जो आने वाले समय में इस स्टॉक पे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। दोस्तों, अगर आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस स्टॉक की, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं जो कंपनी यहाँ पे रिजल्ट्स भी पेश करने वाली है, जो अपडेट मैं आपको पहले यहाँ पे अपडेट दे रहा हूँ, क्लोजर विंडो से रिलेटेड अब भी अपडेट था, जो आप देख सकते हैं जो क्लोजर ट्रेडिंग विंडो क्लोज रहेगा मुथूट माइक्रोफिन का, जो यहाँ पे कंपनी है जो 1 अप्रैल यहाँ पे 1 अप्रैल जो टिल 48 आवर्स के लिए क्लोज रखा जाएगा, जो अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 28 मार्च का ही अपडेट है। और यहाँ पे बेसिकली जो इनका अगर आप देखो MPG, जो बेसिकली ये काफ़ी पुरानी कंपनी है, मुथूट पापाचंद ग्रुप की एक कंपनी है, और इनका जो बिजनेस है जो मुथूट माइक्रोफिन तो है ही, मुथूट फिन कॉर्प भी है, मुथूट कैपिटल है, मुथूट हाउसिंग फिनांस देखोगे तो मुथूट के अलग अलग यहाँ पे अदर बिजनेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करती, एक ग्रुप है
और इस ग्रुप से ये अदर बिजनेस है, ये मुथुट फिनकॉर्प है। मुथुट फिनकॉर्प से दो बिजनेस अलग लिखा है, मुथुट हाउसिंग फिनांस और मुथुट फिनकॉर्प मुथुट माइक्रो फिन, ये दो अलग बिजनेस है। और यहाँ मुथुट कैपिटल भी आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये कंपनी है जो यहाँ पे अदर बिजनेसेस में क्या कर रही है, कंपनी ऑटोमोटिव, हॉस्पिटलिटी, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रीसियस मेटल्स, अल्टरनेट एनर्जी सेक्टर, ये सब सारी चीजों से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर थॉमस मुथुट हैं जो एमएमएल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे थॉमस जॉन मुथुट हैं जो नन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एक कंपनी के अंदर, और यहाँ पे थॉमस जॉर्ज मुथुट हैं जो नन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं यहाँ पे मुथुट पापा चंद ग्रुप की। बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रमोटर हैं इस कंपनी के अंदर, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी कंपनी है। और यहाँ पे मुथुट माइक्रोफिन की अगर हम बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है एयूएम अंडर द मुथुट पापाचंद ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें। तो दोस्तों यहाँ पे ये बेसिकली लो इनकम वाले कस्टमर को ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से फोकस करती हुई नज़र आती है ये कंपनी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर यहाँ पे कितने लोग हैं, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी के टाइम पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप देखो मुथुट माइक्रोफिन की जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा दिसंबर, तो 55.47% प्रमोटर्स की है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 50.21% प्रमोटर की होल्डिंग आपको देखने को है। तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग यहाँ पे सेल करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस, अदर इंस्टीट्यूशंस की जीपीसी इंडिविजुअल प्रमोटर्स की बात करें तो 5.26 इंडिविजुअल प्रमोटर्स भी यहाँ पे होल्डिंग रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब कि प्रमोटर ऑलमोस्ट नहीं सेल किए हैं, यहाँ पे मेन प्रमोटर है जो ये इनके पास इतना है, और इंडिविजुअल प्रमोटर के पास भी है यहाँ पे होल्डिंग। तो ये एक तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अदर पॉइंट्स पे अगर हम जाएं इस कंपनी के, खास करके अगर हम बात करें इस कंपनी के, तो यहाँ पे अभी तक जो रीजनल ऑफिसेज की बात कर लें तो यहाँ पे आपको रीजनल ऑफिसेज 265 देखने को, हेड ऑफिस 303 ऑफिसेज, लोन ऑफिसर की बात करें तो 7,996 है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के अंदर जो काम करने में, तो 13,067 एम्प्लॉय काम करते हुए नजर आ रहे हैं इस कंपनी के। और इस प्रकार से इसकी जर्नी रहे, 2011 में स्टेब्लिश हुई कंपनी और कंटिन्यू अपना एक्सपेंड बिजनेस को करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रो की है कंपनी। तो यहाँ पे ग्रो करती हुई बहुत मतलब कि स्टेब्लिश वे में कर रही है, और यहाँ पे अपना 1,000+ ब्रांचेस भी ओपन कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के जो डिसबर्समेंट है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,921 मिलियन का देखने को मिल रहा है। ब्रांचेज है 1,424 ब्रांचेज है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% इंक्रीज हो रहा है। एक्टिव क्लाइंट्स 3.28 मिलियन है। अगर हम जीएनपीए के ग्रॉस नेट एनपीए की बात करें तो 2.29% का है, और एम्प्लॉय है जो 13,067 है जो ऑलरेडी मैंने बताया। लोन काउंट देखें तो 4.02 मिलियन का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हाइलाइट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब सारी चीज़ें हैं इस कंपनी के अंदर। लेकिन कंपनी यहाँ पे आगे चल के अच्छा ग्रो करेगी, और यहाँ पे बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगा मुथुट माइक्रोफिन के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पे ये स्टॉक का जो पी है 20 के लेवल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, 14 रुपये का ईपीएस भी जनरेट कर रही है। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा जो तेजी है आने में टाइम लग सकता है, क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट एनबीएफसी एमएफआई इन साउथ इंडिया के अंदर ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कंपनी नजर आती है, जो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में, मेरी तरफ से किसी भी प्रकार के बाय एंड सेल करने का कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।